दोस्तों देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी को दूर करने का प्लान अभी से तैयार किया जा रहा है। अब जब जेवर जैसे एयरपोर्ट बनेंगे तो काफ़ी सारी मुसीबतें भी आएंगी, जैसे जाम की मुसीबत, ज़मीन की मुसीबत, और इन समस्याओं को दूर करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी के चलते एयरपोर्ट पर ट्रैफिक जाम जैसी परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है। इस प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट टनल्स बनाए जाएंगे और आने वाले दिनों में जितने भी प्लान जेवर एयरपोर्ट पर आएंगे वो सब इन्हीं टनल्स में पार्क किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट का लॉजिस्टिक्स एरिया भी अंडरग्राउंड मतलब टनल्स या सुरंगों में होगा। अब लॉजिस्टिक एरिया की बात करें तो ऐसा एरिया जहां एयरपोर्ट का कार्ड संचालित होगा, मतलब ऐसा स्थान जिस जगह से प्लान दूसरी जगह के लिए रवाना होंगे। और अब एयरपोर्ट के 100% ऑपरेशनल हो जाने के बाद यहां से 50 मिलियन यात्री उड़ान भरेंगे, जिसके लिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में हर तरह की छोटी बड़ी बात का ख्याल लगा जा रहा है। इसी के चलते यात्रियों और लॉजिस्टिक्स एरिया के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट दिए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट गेट यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों के सभी तरह के वाहन एक्सप्रेसवे की ओर से आएंगे। वहीं लॉजिस्टिक्स एरिया के लिए एंट्री और एग्जिट गेट पूर्व की दिशा में बनाए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के दौरान लोगों को किसी भी तरह की ट्रैफिक जाम की परेशानी से जूझना ना पड़े, इसके लिए यह प्लान बनाया गया है। इसके बनने से लोगों को जाम की परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बनने से लोगों को जाम की परेशानी नहीं होगी और एयरपोर्ट आसानी से पहुंच सकेंगे।